सम्मान के साथ में आदरणीय चंद्रकांत वेंशन जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगी। पहचान से आगे सार्थकता, आदर्श से यथार्थ तक, जो हमारे इस बार के महिला साहित्य समागम का एक मुख्य विचार है। आदरणीय चंद्रकांता वेंशन जी, आपके बारे में बहुत संक्षेप में मैं बता दूं, आप श्रीनगर कश्मीर से हैं, एमए बीएड और कश्मीर की सांस्कृतिक और आंचलिक रंगों के साथ हिंदी साहित्य में अपने शब्दों के साथ अभिव्यक्ति होने वाली प्रथम लेखिका हैं। आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें हिंदी अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, के बिरला फाउंडेशन आदि है। पूरे आदर सम्मान और आपकी ओर से कर्तव्यभरी आदरणीय चंद्रकांता। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कुछ कृष्ण के माध्यम से अपनी बात का, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ऐसे हो जाता है हवा में हम बात करें। सबसे पहले तो हम जानते हैं हम किस समय में जी रहे हैं, वैश्विक समय है और केंद्रीय समय है। तो बहुत बदलाव है, स्थिति में बदलाव है, व्यक्तियों में बदलाव है, नारी में बहुत बदलाव है, पूरे संसार में एक बदलाव की बयार है। काफी अच्छे प्रभाव भी हैं इसमें, कुछ प्रौद्योगिकी है जो आपकी संचार जो है संचार माध्यम, बहुत कुछ हमने पाया भी है, बहुत कुछ खोया भी है। पर सबसे ज्यादा मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है कुछ तो बहुत अच्छी बातें हैं जो हमारे जीवन को बहुत पूरे संसार से जोड़ देती हैं, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। लेकिन साथ ही एक आयातित संस्कृति हम पर हावी हो गई, वो हम जितना उसको हम पर भी कुछ निर्भर करता है काफी कुछ, और बदल रहे हमारी नैतिकता के जो प्रतिमान है वो बदल रहे, बदल चुके हैं काफी हद तक। फिर भी मैं जरूर कहूँगी, मुझे एक याद रहता है, उनका नाम है फ्रीडमन। फ्रीडमन ने किताब लिखी, उन्होंने कहा है जो आज समय है राष्ट्रीय समय, उससे आप बच नहीं सकते। हर एक के हाथ में मोबाइल तो है ही है, आप नहीं बच सकते दुनिया की गतिविधि में क्या हो रहा कैसे हो रहा। लेकिन इसके साथ एक और बात वो कहते हैं, आप जानते हैं कि इस वैश्विक समय ने क्या किया है, एक दौड़ और हम अपने को भूलते हैं, हम निजीपन जो हमारा है वो हम भूल जाते हैं। हमारे किसी ने कहा भी है कि वैश्विक उसको संस्कृति बोलिए, संस्कृति बोलेंगे आचार विचार जो भी है, हम अपनी संस्कृति भूलते रहे, भूलते जा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये जरूर मतवाजी है, वो तो खैर बहुत कुछ कहेंगी संस्कृति के बारे में, मैं दो बातें कहूँगी, थोड़ा बहुत उनको भी बोलने हैं आगे। मुझे लगता है मैं खैर ज़्यादा नहीं बोलना चाहती इस विषय में, निर्मला जी बोलेंगी, मैं स्त्री को लेकर बात करूँ। मुझे लगा हमारे वेदी ने कितना महिमा गान किया है स्त्री का, कितना उसको सरस्वती बोला, लक्ष्मी बोला, शिवा कृष्ण का जो माना जाता त्रिक्षास्त्र का, उसमें कहते हैं शिव शक्ति के बिना शव है, उसका कोई मतलब नहीं, शक्ति ही उसे वो शिवत्व देती है जिससे वो महान बन गया, जो हमारे विश्वास करती है। तो इतनी महिमा आपने दी है, इतना बहुत ऊंचा उठाया। पर मुझे बताइए, देखिए वेदों में कहते हैं ऋचाएं लिखी गई, ऋषियों ने लिखी, महिलाओं ने लिखी, जिनको ऋषिकाएं कहा गया, तो इसका अनुमोदन करेंगे, उन्होंने भी लिखी ऋचाएं। और ये गांधी का नाम आप सब जानते हैं, शास्त्रार्थ कर रही हूँ याज्ञवल्क्य के साथ, इतनी क्षमता तो उसमें है, इतना वैदिश तो है, वो कर रही है। लेकिन ये भी सच है कि दो प्रश्नों के बाद उसको तीसरा प्रश्न करने नहीं दिया गया। यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या कहते हैं, कहते ये है, मैंने हमारे आचार्य रहते हैं हमारे पड़ोस में, उनका नाम नहीं है, मैंने उनसे पूछा तीसरा प्रश्न क्यों नहीं बोलने दिया, पूछने दिया, वो थोड़ा सा सच पकड़े, बोले वो अति प्रश्न था। मैं आपसे पूछती हूँ अति प्रश्न क्या होता है, क्यों नहीं बोलने दिया, क्या उनको लगा कि भाई ये तो हमारे बराबर आ रही है, ये कुछ समझ में नहीं आता, इसको तो कहीं रोकना पड़ेगा। मुझे लगता है कुछ ऐसा था कि पुरुष वर्चस्व तब भी था, और आप ये जानते हैं संहिताएं बने, नियम बनाए, पुरुष ने बनाए, मात्र सत्ता जो समाज था वो तो अलग बात है, अभी हमारे पितृ सत्ता समाज है, बराबर नहीं चला आ रहा। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी, स्त्री ने अपनी बात ठीक है किसी न किसी तरह से कही, पहले वाचिक परंपरा में जो बाद में तो लिखा गया था कि वाचिक परंपरा में, उसमें आप देखिए लोकगीतों को देखिए, उसमें उत्सव भी है, उसमें बहुत कुछ महिला खुल कर लिखा, राग रंग जीवन के जो भी हंसी खुशी सब है, पर उसमें शिकायत भी है, उसमें रुदन भी है, उनको लगता है कहीं कुछ है जो हम कह नहीं पाते, हम पर तकलीफें भी हैं। आपने अगर थेरी गाथा उनके बारे में कुछ मुक्तक है, वहाँ कहती एक महिला एक लेखिका एक वाचिक परंपरा है, वो कहती हैं मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे करते चूल्हे चौके से मुक्ति चाहिए, मुझे टेढ़े पति से मुक्ति चाहिए, टेढ़ा पति क्यों हो गया, कुछ तो उसका तकलीफ है, वो कोशिश टेढ़े पति से मुक्ति चाहिए।
मृणाल पांडे ने एक उपन्यास लिखा ओ उदीरी, अगर किसी ने पढ़ा हो, वहां वो कहती हैं ओ उदीरी तुम क्यों रो रही हो, तुम किसके लिए रो रही हो, ये कोई जंगल है, इसमें इतनी दुखी स्त्रियां हैं, तुम किस किस के लिए रो रही हो। तो आपको ये भी पता चलता कि समाज की तरफ स्त्रियों को वो सब देवी सरस्वती होने के बाद, ये तो खैर उसकी सारी बात कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं स्त्री के भीतर भाव रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने गीतों के माध्यम से कहती रही है, पर ठीक है संसार चलता है, वो भी चल रही है। मैं यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगी, तो आगे फिर उसको छोड़कर हम आगे चलते हैं। पर वेदों में जो महत्व गाय वो सब आप जानते हैं, नारद पूजन दे रमन देता त्रिदेवता ये सब आप जानते हैं, कितना पूजा हमने, हमने उसको देवी को बनाया पर साथ ही हमने उसको देवदासी पर बनाया, मंदिरों में अर्पित भी किया, तो वो उसकी बाजी थी क्या, मंदिरों में सब देवता ही तो नहीं रहते, राक्षस भी रहते, सब जगह रहते। आपने उसके प्रशंसा की, वो नृत्य थी, उसकी कला कौशल की बहुत तारीफ की, तो आपने उसको राज दरबार में भेज दिया, नर्तकी बन गई। आपने उसको विश्वकन्या बनाया, क्योंकि एक राजा दूसरे को हराना चाह रहा तो विश्वकन्या को भेज सका, तो क्या आपको नहीं लगता कि नारी का उपयोग हुआ है। मैं बहुत उस तरह से नहीं जाती, पर सर्वसम्मत बात है, वो चाहती नहीं चाहती तो ले जा रहा, आपको जाना है, आपको काम करना है, तो वर्चस्व हमेशा रहा है, नहीं कहने चाहिए तमाम खूबियाँ बड़ी बात है, कुछ हमारे भाई बहन हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे साथी हैं, उनका सम्मान करती है, पर ये भी हमें मानना चाहिए कि स्त्री के दुखों में बहुत बड़ा हिस्सा इसका भी है। अगर वो थोड़ा बदलता समय के साथ अर्धनारीश्वर बनता, स्त्री की कोमलता कुछ समानता के स्तर पर लेता उसको, तो शायद इतना विरोध नहीं होता स्त्रियों के मन में। आप जानते हैं इसको नोआमी वुल्फ है, उसने कहा, इसने कहा ये सब नहीं होता अगर पुरुष ने स्त्री को समानता का दर्जा दिया होता, वो नहीं मिला, हमेशा दो दर्जे हमेशा ही। मैटिसन बुक की पंचवटी आपने किसी ने पढ़ी, वो बोलते वो थे नर ने तो अपने को सुरक्षित रख दिया, पर जो नियम बनाए वो स्त्री के लिए बनाए। अब यहाँ पर छोड़ती हूँ मैं, यहाँ पर छोटी सी कविता सुनाने के लिए एक मिनट, मैंने बहुत ज़्यादा झंडे नहीं खड़े करे हैं, पर स्त्री मेरे से भी उपन्यासों का दो दो गाने की समस्या हैं, उनकी तकलीफें हैं, उनका अच्छा पक्ष है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं खुद चाहती हूँ स्वस्थ समाज, हम खुद अपना फिर अपने जीकर भी जाने, तो ये है कोई माने ना माने। मुंदी पलकें खोल बेटी, बच्ची से मुंदी पलकें खोल बेटी, पहली पुकार के साथ ही पड़ा है दुनिया का तौक तेरे मासूम गले, हलसाई जम्हारियों में मुंह खोलती मेरी सोन मछली, इस ताल में बसता है जीवों का जंगल, तुम खोज लेना कोई सोन पाखी शंख सीपी में छिपा बैठा, कितनी भी बेदर्द हो दुनिया बचे हैं अभी भी कुछ स्पर्श जो सहलाते हैं आहत आत्माएं, जीने के लिए कारण मिल ही जाते हैं उनकी शिनाख्त तुम खुद करो, धुंध छाए चौहारों भी अपनी पगडंडी सुनती बेटियां खोजती हैं असंभव में संभव, जोड़ती हैं धरती और आकाश नदियां और बादल बरसे, बांधती हैं धागों में रिश्ते और ईंट सीमेंट के खांचों को बनाती हैं घर, उन्हें आता है गुड़ तलाश का सूखे स्रोतों में गुम होती नदियां, बंजर धरती की कोख में फूटना है कोख से फूटना हरियाली में, कोई माने ना माने लड़कियां बीज होती हैं जो धरती को देती हैं धरती बनकर उर्वरा होने का आश्वासन। इसके साथ ही आपको मंच और घमासान, इतना बड़ा आपने आयोजन किया और करते रहे और आपस में जुड़िए, मुझे लगता है जोड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.